का क्विक सिंगल, क्विक सिंगल है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, 2425 पे ट्रेड करा है, बस 2410 का स्टॉप लगाकर चले तो 2450 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद हायर जोन देखेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में। सॉरी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पहली पिक इस समय। शिवांगी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल में? जी लेमन ट्री हमने जो रेकमेंड किया था वो अच्छे मूवमेंट यहाँ दिखा रहे हैं, होल्ड करने की राय रहेगी। और दूसरा पिक जो है हैवल्स पे रहेगा, काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के बाद, और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे हैं लॉन्ग साइड में, तो यहाँ पर नज़र है खरीदारी की सलाह है। और ये जो है नेक्स्ट 1750 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1640 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो हेवल्स जहाँ पर नंबर्स का इंतज़ार और तेज़ी की पोजीशंस आप लेकर चलेंगे, स्टॉक मजबूत खुला है। आशीष बहती आपका ओपनिंग ट्रेड क्विक सिंगल। जी हर्षदमा मिश्रा जी, ऑटो में अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, और नंबर से पहले मंथली नंबर से पहले सारे ऑटो स्टॉक्स काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे, तो स्कॉट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने रिसेंट हाईस पे अभी चल रहा है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 3270, 3270 का एक SL मेंटेन करे, हमें लगता है इसमें 3400 तक का जोन देखने मिल सकता है। 3400 की तैयारी स्कॉट्स में। मानस क्विक सिंगल। तो देखिए मेरा फोकस भी ऑटो क्षेत्र पे ही है, तो आयशर मोटर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो आयशर मोटर्स पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 4574 के रहेंगे और टारगेट 4850 के रहेंगे। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 4700 का कॉल ऑप्शन जो 164 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 134 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 225 रुपए के टारगेट आप 4700 के कॉल ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक चीज है, आज शिल्पा जी है नहीं पैनल में लेकिन वो उनका एक लेजेंड बनता जा रहा है ऑप्शंस की कॉल्स का। कल 4800 की कॉल उन्होंने बोल्ड कॉल दी थी, आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल। और आई थिंक यही चीजें होती हैं अगर मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करें तो वो देखिए कॉल, आई थिंक सारे टारगेट्स उनके हिट हुए होंगे 157 पर अब इस समय वो कॉल, और शानदार मोमेंटम। और ये कुछ नहीं है अगर आपने मार्केट में एक, मतलब ऑब्वियसली बहुत बोल्ड कॉल है लेकिन अगर आपने मार्केट में एक ट्रेंड को रिस्पेक्ट करा है तो वो इसी तरीके से आपको पैसा बना के देता है। चलिए ये इस समय आज का क्लियरली बिग स्टार ऑफ द डे। कविता जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? टाटा पावर में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, 454 के लेवल पर है, मुझे लग रहा है ये काउंटर में 462-465 की प्राइस टारगेट के लिए टाटा पावर पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें, 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टाटा पावर। पालवे जी आपके पिक क्विक सिंगल्स में? अनुज जी फार्मा स्पेस पे यहाँ पे फोकस है, और उसमें लगता है अरविंदो फार्मा में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे, तो ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है। अरविंदो फार्मा फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1190-1200 की तरफ, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1155 के आसपास। ओके, तो 1200 की तरफ ऑरो फार्मा जाता हुआ नजर आएगा। राजेश सातपुते आपका ट्रेड? हर्षदा जी देखिए नज़र फार्मा पे रहेगी और उसमें से आज का पिक होगा इप्का लैब। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आएगा 1360 के ऊपर और एग्जैक्टली इसी लेवल पे खड़ा है, टारगेट रहेगा इसका 1400 का, बाय करें इप्का लैब, स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का, 1340 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 1400 की तरफ इप्का लैब्स बढ़ता हुआ बाय साइड का ट्रेड रहेगा। गौरव कोई ऐसा सौदा जो आपको दिखा हो जहाँ पर अब मौका है पोजिशन लेने का? साफ रूप से मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र काफी अच्छा लगता है, और निजी क्षेत्र की तो बैंक काफी हो चुकी क्योंकि हमने नतीजे भी देख लिए हर्षदा, लेकिन हमें लग रहा है कि सरकारी बैंकों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दो बैंकों के मेरे ख्याल से जो नतीजे अभी तक नहीं है सरकारी बैंकों में, तो वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, ये दोनों पर नजर रखनी चाहिए और खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल बैंक